आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है जबलपुर से, जहां कश्यप यानी कि कछुआ प्राणी को बैशाख माह में जल विहार कराया गया। जी हां, दरअसल मानव अधिकार क्रांति संगठन एवं ओम आदि शक्ति दरबार के संचालक ओम प्रकाश सोनी भैया जी गुरु जी के द्वारा कश्यप कछुआ को बैशाख माह के पावन अवसर पर गुरु जी द्वारा कश्यप प्राणी को जल विहार कराया गया। अखंड रामायण हनुमान मंदिर सुपाताल तालाब में गुरु जी के आशीर्वाद से कराया गया। सर्वप्रथम विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। मंत्र उच्चारण के साथ कछुआ को तालाब में छोड़ दिया गया, जिससे वह अपने स्वतंत्र जिंदगी को जिए, क्योंकि जो मुक प्राणी होते हैं वह बोल नहीं सकते और उनको घर में कैद करके नहीं रखना चाहिए। गौरव खरे, जिला संयुक्त सचिव ने कहा कि वैशाख माह में ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। मानव अधिकार क्रांति संगठन की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गीता पांडे ने कहा कि विगत 10 सालों से जो मूक प्राणी है, जैसे मछली, कछुआ, इनको नदी तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिससे प्राणियों की जिंदगी की रक्षा होती है और दिल को सुकून मिलता है। संस्था के सभी पदाधिकारी ने सराहना की बात की और इसी के साथ में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे अनेक कार्य करते रहना चाहिए। उसके बाद सभी को प्रसाद का वितरण किया और बैल का शरबत बांटा गया। संस्था के सभी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें डॉक्टर मुकेश जैन, गौरव खरे, विनय डेविड, ममता सोनी, वर्षा उपाध्याय, गणेश सोनी, प्रिंसी समैया, राजकुंवर, एडवोकेट अनिल दुबे, श्याम सोलंकी, पंकज मेहता, विनीता दुबे, पप्पू मिश्रा, विक्की सोंधिया, राम मिश्रा, राजेश पांडे, एड राजीव वर्मा सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने पुण्य लाभ अर्जित किया। जी हाँ, और इसी के साथ इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आज हम लोगों ने अपने सुपाताल रामायण मंदिर के पास में जो तालाब है उसमें आज हम लोग ने कछुए को मतलब है कि दान किया है, उसको जल में प्रभावित किया है कि वो अपने जीवन अच्छे से स्वतंत्र रूप होकर जी सके, क्योंकि ये जो प्राणी है, जीव जंतु है, इनको घर में रखना उचित नहीं है। और बैसाख का महीना चल रहा है, एकादशी का दिन है और विष्णु भगवान ने कछुए के रूप में अवतार लिया था, तो आज हम लोग ने यहाँ पे जलाशय में मतलब इसको पूजन अर्चन किया। हम लोग ने विधि विधान से ओम आदि शक्ति दरबार के गुरु जी भैया जी के ने गुरु पूजा पाठ किया और फिर हम लोग ने विधि विधान से उसको यहाँ पे हम लोग ने छोड़ दिया है। और ये काम मतलब आज ये तो प्रथम हुआ है, लेकिन मैं मानव अधिकार क्रांति से विगत 10 सालों से मछली हो गए, कछुआ हो गए, ये हम लोग जल में प्रभावित करते आ रहे हैं विगत कई सालों से, और इससे हम लोग को सुख शांति और समृद्धि मिलती है। और आज हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितने अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं और इन जीव प्राणियों की रक्षा मतलब करना अपना दायित्व है, तो आज हम लोग मतलब सुखी जीवन जी रहे हैं और भगवान विष्णु का हम लोग का आशीर्वाद बना रहे। मैं डॉक्टर गीता पांडे, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार क्रांति संगठन। ओम आदि शक्ति दरबार के संचालक गुरुजी के आशीर्वाद से एवं उनके आदेश के अनुसार आज वैशाख के माह एकादशी में कश्यप का दान किया गया। इसका महत्व तो बहुत जुड़ा हुआ है, साइंस से भी जुड़ा हुआ है और ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ है, और हम एक पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं और ज़माने से भी जुड़े हुए हैं, तो हमको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है और क्या सही है क्या गलत है उसका भी अंदाज़ा लगाना है। आज ओम आदि शक्ति दरबार और मानव अधिकार क्रांति संगठन द्वारा ये कार्य किया गया। गौरव खरे, बैसाख महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज एकादशी है, विष्णु भगवान से संबंधित कश्यप अवतार विष्णु भगवान के अवतार हैं, इस कारण जल में जीव दान कश्यप का दान करना अति उत्तम, इसके साथ मीन का दान हो तो अति श्री गुरु जी। ओम आदि शक्ति दरबार के संचालक। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।